आप सब कैसे हैं? आज सिखाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखो 30 फिंदे डाल लिए हैं मैंने और ये कलर लिए हैं और 8 नंबर की सिलाई यूज कर रही हूँ। अब देखें ऊपर की तरफ से इस तरह से आपको बुन लेना है। ये देखो अब यहाँ से देखें 12 फिंदे नीचे की तरफ रखने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 3 फिंदे और बिन लेती हूँ इस तरह से। देखो ऊपर की साइड से मैंने 18 फिंदे बना लिए हैं, अब नीचे की साइड पे 12 फिंदे बचे हुए हैं। तो ये देखें हमने कलर इस तरह से लगाना है, इसको इसी में दबाते जाएंगे इस तरीके से और 10 फिंदे हमें बुन लेना है। 2 फिंदे हम पहली बार में 2 फिंदे छोड़ देंगे तो 10 फिंदे बिन लेते हैं। 10 फिंदे बिन लिए अब सिलाई को पलट लेंगे। अब जो जैसा कलर है ऊपर तक वैसा ही बुन लेना है, तो बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखें इधर की साइड से जो 18 फिंदे हैं वो अभी इसी तरह से चले। इनमें हम ना कोई फिंदे को बढ़ाएंगे और ना कोई घटाएंगे। अगर आप फटी पुरानी साड़ी से बना रही हैं तो 30 फिंदे से बनाएंगी तो मीडियम साइज का बनके तैयार हो जाएगा और फुल साइज का आप 40 फिंदों में बनाएं तो फुल साइज का बन जाएगा। अब देखें यहाँ से हम 9 फिंदे बिनेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 9 बिन लिए सिलाई को पलट लेंगे। अब ऊपर तक जो जैसा कलर है वैसा ही बुन लेना है। ये देखो यहाँ पे मैंने पिंक का एक फिंदे को छोड़ दिया है और ऊपर तक बना लिया है। अब देखो हम डिजाइन डालेंगे ब्लैक कलर में, तो 2 फिंदे हमने ब्लैक बना लिए। अब 2 फिंदे ये पिंक के बना लेंगे। अब 2 फिंदे फिर से ब्लैक और इसको हम इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि ये धागा खुले नहीं। ये देखें अब इसी तरह से हमें ब्लैक तक इसी तरह से बना लेना है। 2 हम फिंदे पिंक के करेंगे और 2 हमने 2 कलर कर लिए हैं। अब देखें 2-2 फिंदे 2 ब्लैक के और 2 पिंक के। अब ये पिंक वाले हैं जो डार्क पिंक है, जो हमने नीचे डार्क पिंक लगाया है, उनमें से हम एक एक फिंदे को छोड़ते जाएंगे। अब हम 8 फिंदे बना लेंगे। फिर से एक फिंदे छोड़ दिया और सिलाई को पलट लिया। अब जो जैसा कलर है वैसा ही बुन लेना है ऊपर तक। मैंने बुन लिया है। अब देखो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे, ब्लैक की जगह पे पिंक आ जाएगा, पिंक की जगह पे ब्लैक आ जाएगा। अब सारे फिंदे इसी तरह से कर लेना है जो डिजाइन वाले हैं। तो मैं कर लेती हूँ, कलर चेंज कर लिए हैं। अब इसी तरह से हमें ये 7 फिंदे बिनने हैं और एक फिंदे को हम नीचे की साइड से छोड़ते जाएंगे। ये देखो छोड़ दिया, सिलाई को पलट लिया है, हमने डिजाइन बना ली है। अब इधर से हमें ब्लैक कलर से यहाँ से लेके यहाँ तक बुन लेना है। ये देखो सारे फिंदे ब्लैक हो जाएंगे। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको देखा नीचे की साइड से। अब फिर से 6 फिंदे बिन लेंगे, बाकी फिंदे हम इसी तरह से एक फिंदे को छोड़ देंगे।
ये देखो छह बिन लिए, सिलाई को पलट लिया है। देखो हमने चार फिंदे छोड़ लिए, अभी छह फिंदे यहाँ पे बाकी है। अब देखो आगे हम किस तरह से बनाएंगे। अब ब्लैक वाले देखें, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तो तेरह फिंदे मिल लिए, पांच फिंदे मेरे पास अभी बाकी हैं। तो पांच फिंदे से हम ये वाला कलर लगाएंगे, इस वाले कलर को लगा लेना है। पांच फिंदे ये और पांच फिंदे हम नीचे की साइड से बुनेंगे। ये देखें, एक दो तीन चार पाँच, और पांच फिंदे मैंने नीचे छूट चुके हैं और सिलाई को पलट लिया। अब जो जैसा कलर है वैसा ही बना। अब यहाँ पे तेरह फिंदे इसी तरह से बिन लेंगे। और ये देखें येलो कलर के दस हैं, तो नौ फिंदे बिनना है। एक फिंदे को हम नीचे बगैर बुना हुआ छोड़ दें। ये देखो छोड़ दिया, सिलाई को मैंने पलट लिया। अब जो जैसा है वैसा ही, एक फिंदे को हमने नीचे छोड़ दिया। एक फिंदा छोड़ने के बाद यहाँ पे डिजाइन डाल दी है। डिजाइन नीचे की तरफ से हम डालेंगे, जिस तरह से हमने नीचे डाली हुई है तरीका सेम रहेगा। दो फिंदे पिंक कलर के और दो फिंदे रेड सॉरी ब्लैक कलर के। जो भी फिंदे हैं आपके पास, आप यहाँ पे देखें, एक फिंदे को यहाँ पे एक फिंदा है तो एक ही हम ब्लैक बना लेंगे और नीचे की साइड से हम एक एक फिंदे को छोड़ते जाएंगे और सिलाई को पलटते जाएंगे। ये देखें, अब इसी तरह से आपको ऊपर तक बनाना है। पांच फिंदे हम फिर से कर लेंगे जब हम ये वाली कली बना लेंगे, तो पांच फिंदे फिर से कर लेंगे ये पिंक कलर से फिर येलो कलर से। इसी तरह से बनाना है, तरीका सेम है और यहाँ पे हम कलर चेंज करते जाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ ऊपर तक, फिर मैं आपको आगे का बताऊँ। ऊपर तक मैं पहुँच गई हूँ। अब ये बारह फिंदे सॉरी दस फिंदे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पिंक कलर के हैं। अब हम डिजाइन को चेंज करेंगे। अभी तक डिजाइन यही वाली चली है, अब ऊपर की साइड पे डिजाइन चेंज हो जाएगी। अब देखें ये कलर थोड़ा सा लगता है, ज्यादा नहीं लगेगा, बाकी कलर आपके लगेंगे। ये देखें, जो 10 फिंदे हैं वो ऊपर की साइड पे इसी तरह से हम बनाएंगे। एक एक फिंदे को छोड़ते जाएंगे और दो दो सिलाई निकालते जाएंगे। एक पिंक की, दो सिलाई पिंक की और दो सिलाई ब्लू की। अब ब्लू वाला एक फिंदे को छोड़ देंगे और सिलाई को पलट लेंगे। इसी तरह से हमें ऊपर तक बनाना है, तो मैं बना लेती हूँ फिर आप देखो। हमने ऊपर तक बना लिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आठ फिंदे छोड़ दिए हैं, दो फिंदे बाकी है। अब दो फिंदे इसी तरह से रहेंगे। अब यहाँ पे देखें इस तरह से, और एक फिंदे को नीचे की साइड से और सिलाई को पलट लिया है। फिर से देख लें, अब पिंक कलर लगा लिया। अब यहाँ पे गैपिंग है, तो गैपिंग को इस तरह से खत्म करेंगे, तो सिलाई को पलटते जाएंगे। इसी तरह से हमें दो दो सिलाई निकालते जाना है और इसको बना लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको, फिर मैं आगे का आपको देखो। ऊपर की कली मैंने बना ली है, ये देखें बहुत ही सुंदर लग रही है। इस तरह से
अब देखें यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच। अब पाँच के बाद हम ये वाला कलर लगा लेंगे, पाँच फिंदे पिंक वाले बन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। पाँच के बाद देखें इस तरह से एक हमने छह बन, और सिलाई को यहीं से पलट लिया है। अब इधर का साइज जो हमने इधर की कली बनाई है उसी तरह से इधर भी बनेगी। एक बार आप देख लेंगी तो आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब जो ब्लैक फिंदे हैं वो पांच हम ब्लैक बना लेंगे, वो मैंने कंप्लीट कर ली। अब देखें डिजाइन डालेंगे तो डिजाइन वही रहेगी, तरीका सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से, इस तरह से ये फिंदे इसी तरह से चलते जाएंगे, और नीचे की साइड से ध्यान रखिएगा एक फिंदे को बढ़ाते जाएंगे, एक एक फिंदे को बिनते जाएंगे इस तरीके से। और इसी तरह से डिजाइन को डालना है। तो मैं डाल लेती हूँ, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया इस वाली कली को। अब देखें आगे हमें किस तरह से बनाना है, उसी तरह से आप बनाते जाना। अब यहाँ पांच फिंदे हैं, अब दस फिंदे हो जाएंगे ब्लैक कलर के, दो तीन चार पांच। अब पांच फिंदे बचे हुए हैं, पांच फिंदे हम इस वाले कलर से बनाएंगे। अब यहाँ पे गैपिंग, तो इसी तरह से हम गैपिंग को खत्म करते जाएंगे। तो इसी तरह से बनाना है नीचे तक, और डिजाइन को डालते जाना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आगे का आपको बता। मैंने कंप्लीट कर लिया है इसको, ये पूरी पत्ती बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लैक हो जाएंगे, फिर हम ये वाला कलर नीचे कर देंगे, इसको ऊपर लाएंगे। ये येलो कलर नीचे हो जाएगा, दस फिंदे नीचे येलो कलर के, जो अब की बार जो पत्ती दूसरी बनाएंगे, और इसी चीज़ को हमें, इसी पत्ती को हमें बार बार रिपीट करना है, तो आपका बन जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको। मैंने बना लिया है, अब मैं इसको सिलना बताऊँगी। तो सिलेंगे किस तरह से, इसको हमने उल्टा कर लिया, और ये देखें ब्लैक ब्लैक से मिला लेना है इस तरीके से। लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है।